पागल हो रहे हैं। मेरी बात सुनो। What's up guys? देखो आज तुम्हारे फेवरेट बंदे कहाँ पर आ चुके हैं? घुमजा भाई, हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं। हम लोग ये मान के चलो, लोग गोवा जाते हैं, लोग घूमने के लिए फॉरेन जाते हैं, हम लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग आ गए हैं वृंदावन में, वृंदावन धाम की जय। ओ भाई इसको देखो एक बार, ये देखो मैं तुम लोग दिखाता हूँ। आप दोनों आए, देखो यहाँ पे व्हाट इज दिस ब्रो? बात बताओ, गोबर से ब्राउनी क्यों होता है, व्हाइट क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम ब्राउनी समझ के तुम खा भी सकते हो। हम लोग ऐसे अकेले नहीं आए, हमारे साथ बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं पीछे, सब आए कर ले एक बारी। हेलो हेलो हेलो, देखो कोई आया नहीं कर रहा, किसी को इंटरेस्ट नहीं मेरे ब्लॉग में। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। सबसे पहले हम लोग वृंदावन में आए तो हमें को लगा कि सबसे पहले हम लोग इस्कॉन टेंपल जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर खड़े, एंट्री फिलहाल को बंद है यहाँ पे, एंड ऐसा मन कर रहा है कि मुंह पे ना पूरे बर्फ वगैरह रगड़ दूंगा अच्छे तरीके से। इसको रगड़ लो ना, इसको अपने मुंह पर रगड़ो। मैं आपने मुझे क्या समझा है, दूसरे किस्म का आदमी समझा आपने मेरे को? ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करते, मेरे को असली बर्फ चाहिए भाई, बहुत गर्म लग रहा है मेरे को यार। गलत आ गया हूं तुम लोगों के साथ, ये लोग स्ट्रेट नहीं है भाई, स्ट्रेट नहीं है। वृंदावन में क्या मजा आता है यार, हर जगह पे कीर्तन हो रहा है, फॉरेनर्स लोग कीर्तन कर रहे हैं, वाओ। सो गाइस अभी यार हम लोग चल रहे थे और देखो यहाँ पे मेरे को तो लगा दिया हर जगह पे, इसने भी लगाया हुआ था बट ये ना छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा, मैं इसको तब से लेके बोरा दिखा रहा हूं। मेरा फेस रिवील नहीं हो जाएगा भाई फिर? अरे तू भगवान का नाम नहीं दिखाएगा भाई? मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ भाई, हम लोगों की जैसे हालत खराब हो गई, एसजीओ भाई को नाचना नहीं आता, बिकॉज एसजीओ भाई तुम लोगों को मैं क्लिप दिखाता हूँ यार, अभी देखो तुम लोग एसजीओ कैसे नाचता है एक्चुअली में। उसके भाई मूवमेंट ही नहीं है, बॉडी में लचक ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, वो चलते फिरते समोसे हैं, समोसे। सच बात है भाई, समोसे समोसे। पर आप एक बात मान के चल लो भैया ना, बर्थडे मनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ना ये वृंदावन। एग्जैक्टली ब्रो, बर्थडे पे लोग जाते हैं क्लब क्लब पे, हम आए वृंदावन सीधे भाई, तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है एकदम। ऑल टाइम बेस्ट, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, मजा बहुत क्रेजी आ रहा है भाई। चल चल के हालत खराब है लेकिन मजा आ रहा है। ये हमारे सौरभ तांबे प्रभु जी कृष्णा, ये हमारे स्मार्टी है और स्मार्ट हो गए राधे राधे रख के। और ये ड्रीम बॉय, तुम्हारी ड्रीमर कहाँ है? तुम्हारी ड्रीम गर्ल कहाँ है? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मोची कोई भी स्पैम नहीं करने वाला अब इसके बाद, क्वीन जैस्मिन स्पैम करो। वो किमोची देख पीछे बैठी हुई है। ओ तू कौन है भाई? इसका इसकी इसकी आवाज गेस करो, कैसे कुछ बोल दे रहे भाई? शर्मा की रहा है, ठीक है भाई, इतना जोम ये सृजन 69 है, ये हमारे एसडीओ जी को तो जानते हो तुम, ये हमारा चलता फिरता समोसा। मुझे नहीं रहना यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं, इन्हें लोग कौन कह रहे थे समोसा है? देखो तो इस बेचारे को चलता फिरता समोसा बोल दिया यार, ये गलत बात है। वड़ा बोलते तो मान लेता मैं। तो कैसे हम लोग इतना चल के आए तो वही बहुत ज्यादा थक गए थे, तो ड्रीमा ने बोला कि मैं ना तुम लोगों की लाइक बैक चटकाऊंगा, बैक है ना, तो क्या करना था उसके लिए बताओ एक बारी। ऐसे रख के ऐसे खड़ा हो गए यार, ऐसे मैं दिखा नहीं सकता आपको, मैं दिखा दूंगा, पहन ले कपड़े, कपड़े पहन ले, नीचे का दिखा दूंगा। ये नंगा है यार, ये क्या बंदा है यार, ये बिल्कुल शर्म नहीं हमारे साथ, नंगा होके भाग गया अंदर यार ये बंदा। गाइस तुम लोगों को थोड़ी देर में ये वाली बताता मैं भी ऐसे क्या हुआ, क्यों ये बंदा नंगा होके भाग गया अंदर, तुम लोगों को थोड़ी देर बताता हूँ। तो भाई सर अभी हम लोग अपने होटल से बाहर आ चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से मंदिर के पास, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है रात के 12 बजे, आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है वृंदावन में, तो उसके लिए जा रहे हैं। एंड आई एम सो सॉरी यार, इससे पहले ना एसजीओ से हमने वो ट्रिक करवानी थी जिससे हमको बहुत हंसी आई थी, उसने किया नहीं है लास्ट तक, है ना? मैं लेजिट बता रहा हूँ, एंग्री बर्ड ना एसजीओ भाई ना एंग्री बर्ड लग रहे थे, बहुत फनी था यार, भाई लग नहीं रहे थे। मैं निकलवाऊंगा इससे वो चीज, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को, मैं निकलवाऊंगा इससे पक्का, ये नहीं कर पा रहे ये ऐसे कर, उसके हाथ चिपक नहीं रहे, मैं करवाऊंगा इससे उसके बाद में पक्का। तो अभी तो कैसे हम लोग यहाँ पे ना
वृंदावन के मजे ले रहे हैं, रात के टाइम पे आराम से मस्त हवा चल रही है, पैदल चले हुए रास्ते में तो फील आ रही है भाई, ब्रज वाली फील आ रही है। नहीं आ रही क्या? देखो ये देखो भाई, इसको ये अलग ही चला है भाई, ये देखो देखो देखो, इसको खंबे में टकरा के चलना है, रास्ते में नहीं चलना है इसको, बाजा बाकी लोग चल रहे हैं। ये है भाई टिपिकल मुंबई का लौंडा हमारा भाई। मैं तो चला, मैं यही पे रोड पे सो जाऊंगा, मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा। अरे यार किसी थकान हो गया ना, मतलब कह जैसे कल रात से लेकर सो ही नहीं, कल रात को बस से आया शिमला से दिल्ली, फिर सुबह सुबह हम लोग लाइक 4 बजे नहाए धोए, पता नहीं भाई साहब कुछ आरती वगैरह अटेंड करने के लिए, एंड अभी भी हम लोग जा रहे हैं आरती वगैरह अटेंड करने के लिए। आप बता सकते हो आपके जूते? और यस, वृंदावन में आते ही भाई साहब हम लोग मंदिर में गए। ए रगर जरा क्या कर रहा था? ऐसे प्लीज वो ट्रो कर लो ना एक बार यार, ऑडियंस देखना चाहती है, वो हाथ जो करो यू करता ना पीछे, इसके ना टच नहीं होते। मेरा सर बहुत बड़ा है। आपका सर बड़ा नहीं, आपके हाथ छोटे है। आगे इस बात हम लोग को बोला था कि जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए ना, तो भाई इतने हम लोग 8 या 9 लोग थे, तो 9 में से एक बंदे के जूते गायब हो गए। गैस करो किसके गायब हुए होंगे, किसके गायब है भाई? वो गायब हुए ऑफ कोर्स क्वीन जैस्मिन, मेरे जो किमोची है ना, किमोची का जो पति है ना, उसका जो दोस्त है, उसके जूते चोरी हो गए, यानी कि मेरे जूते चोरी हो गए भाई, बाकी किसी के नहीं हुए। एंड उसके बाद भाई मैं पता नहीं किसी और की चप्पल पहन के आ गए, फिर मैंने भी उठा दी भाई, क्या करूं भाई, मजाक कर रहा हूं मैं। मैंने अपने दोस्त की चप्पल उठाई, फिर वो नंगे पैर आए थे यार, हमारे प्रभु जी मेरे साथ चले हुए उनकी चप्पल पहन के। एंड या अभी हम लोग अरे पर अच्छे से देख देख के चल रहे, कैसे के हमारे जूते दिख गए तो वापस मांग देंगे उनसे बड़े प्यार से। यहाँ पे गौशाला आए थे तो कुछ यहाँ पे बैल वगैरह भी है, तो मैं बोलता ड्रीम बॉय आ जाओ यार, सुरेंद्र तू चल जा। ओ भाई 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 भाई, ओ शिट बॉय, रुको रुको मैं इसके एक बार हाथ लगा सकता हूँ, बहुत क्यूट लग रहा है, पकड़ो जरा, डेंजर है वो। देखो भाई उसकी पीठ पे पहाड़ है। तो गाइस अभी हम लोग प्रेम मंदिर आए हुए हैं, मेरे दोस्त प्रेम रतन, मेरे प्रिय प्रेमी दोस्त, इसका प्रेम पाने के लिए इसकी किमोची को ढूंढने के लिए, इसकी किमोची आपको लगता है यहाँ पे मिल जाएगी प्रेम मंदिर में? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ही आना था। सो सॉरी ये कहते हुए, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये RGB मेरे को बहुत पसंद आई। ओ भाई एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि ये प्रेम का मंदिर है इसलिए इसमें भगवान जी स्वैग में रहते हैं, हमारे मजाक है कोई? अगर तुम लोग को RGB और देखनी है तो Oh my God, guys, actually, मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी प्रेम मंदिर की ये वाली, ये लोगों साइड के लिए वहाँ पे शेषनाग है, कृष्ण भगवान जी को चढ़े हुए शेषनाग के ऊपर, शेषनाग ही बोलते इसको क्या, कालिया नाग था शायद से, एंड छोटा बच्चा है क्यूट सा सोया हुआ, एंड ड्रीम बॉय फेस रिवील कर ले यार एक बार, तो मैंने दोबारा से बाद वो लगा दिया राधे नाम के ना सारे स्टिकर्स वगैरह, और लोग इसी एंड मेरे को सिटियां बज रही है, मेरे को पता है मेरे लिए सिटियां बज रही है, मैं जा रहा हूँ। गाइस तुम लोगों को मतलब दिख नहीं रहा होगा, बट यार एक्चुअली में एक मंदिर बहुत बड़ा है, वीडियो में ना मतलब मैं ढंग से दिखा नहीं पाऊंगा तुम लोगों को, एक्चुअली हद ही ज्यादा बड़ा मंदिर है एंड बहुत ही सुंदर जगह है यार, मतलब एकदम वाइब आ रही पूरे वृंदावन वाली यहाँ पे। एंड तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों को पता है कि भाई प्रेम मंदिर क्यों है इस मंदिर का नाम, आई वॉन्ट टू नो मैन। और RGB लाइट्स तो बहुत ऑसम है भाई, अभी पूरा लाल हो रखा है, थोड़ी देर में कुछ और ही कलर का जगह पूरा मंदिर, ये देखो गाइस लाल से हो गया पूरा का पूरा येलो कलर का, ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल है भाई ये, अरे भाई पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो गया भाई, क्या ऑसम चीज है भाई ये। बहुत भूख लग रही थी एंड मेरे दोस्तों ने भाई यहाँ पे लाइटें बंधा दी भाई, ऐसा मारूंगा मैं तुम दोनों का यहाँ पे ना, मैं व्लॉग की इतनी मेन फुटेज ले रहा था एंड मेरे को ऐसे बलून्स वगैरह को दिख रहे यहाँ पे, अरे 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 भाई ब्लॉग हो रहा है यार, इतनी अच्छी दीवार है, दीवार तो काफी अच्छी, टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, ये देखो कितना अच्छा छेद है, मैं छेद देखने आ गया यहाँ पे, मेरे बर्थडे की आप लोग ने सेलिब्रेशन करी भाई, दिखाओ मेरे को अंदर यार, बर्थडे स्पेशल क्या है यहाँ पे, ए मुझे पैक करने गए भागे ऐसे, चल भागे ऐसे, इतना बेवकूफ समझाएगा मेरे को, और बाद में रात के 12 बजे हम ज्यादा जोर से बोल रहे तो उठ जाएंगे पड़ोसी लोग, नॉक नॉक, अरे क्या दिखा रहे तुम लोग मेरे को भाई, ये मेरे बर्थडे के लिए आई है, चल थैंक यू फॉर कमिंग मैन, इतनी
भाई ये लो गिफ्ट। वो भी फटा हुआ है भाई। मैंने नई सेवा खोली अपनी मसाज देने की, देख रहे कितने मजा आ रहा है। उसको आंख बंद कर रही है। स्मार्टी पाई मसाज सेंटर ओनली फॉर गाय। कल तो गाय ने पहला भी था, बोला बात है कितनी प्यारी है। आई और सीधा सिंग उड़ा दिया मेरे को, मेरे पीछे एक बंदा था उसको भी उड़ा दिया। अरे हम ही थे भाई। सो गई है, आज हमारा दूसरा दिन वृंदावन में। तो आज गाइस हम लोग गोकुल आए हुए हैं। गोकुल में क्यों आए? क्योंकि गोकुल में भगवान जी का बचपन बीता था और इसको मोमोज खाने तो जा रहे मोमोज। ये मेरा इंट्रो बोलने तेरा सेकंड डे का भाई। भाई पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आपको? आपको आज आपको बस अपने सारे बस उतार गए और आपको हिप कच्छे में डुबकियां मारनी है। आज हम लोग नहाने भी जाएंगे यमुना में। एंड एस जो मना करे तो इसको तो मैं डुबा दूंगा, मतलब जबरदस्ती। जा भाई आज तो है ना, खुला खुले सांड की तरह इसको मोमोज खिला देते। हमारा डिस्कॉर्ड का बंदा है। फ्लिप करो कैमरा। क्या एस जो भाई और श्रीजन के लिए कपड़े छोटे वाले सबसे छोटे। ये वाला आई थिंक ना पूरा का पूरा पूरा आ जाएगा। एक बार देखो जरा आप एस जी, हमने आपके लिए कपड़े देखे, देखो जरा आ जाएंगे फिटिंग। अरे यार इसमें तो मैं इतना। और यार एकदम बढ़िया है भाई, ले लो आप ये। पूरी तरह से मर मिट जाएंगे सारी गोपे फैन हो जाएगी आपके यार ऐसे करके। तो नहीं नहीं ये तो लूज आएगी भाई, मुझे ये तो लूज आएगी इससे छोटी। आई थिंक ड्रीम बॉय को आ जाएंगे ना, ड्रीम बॉय को टाइट हो जाएगी। आजा भाई ये बंदा आप बताओ तेरा कौन हो आप एक बार। ये हमारा डिस्कॉर्ड का मॉड है तो हमारे साथ आया हुआ बंदा। आजा एडमिन बोला करो। एडमिन है मतलब अपना ये बंदा। तो तू आजा, तेरे को आज मैं क्या पिलाएं? बोल क्या खाना है? गोलगप्पे खाने है, आधा खा ले। और उसके बाद पैसे नहीं होंगे तो यहाँ पे बर्तन धो लेना फिर, ठीक है? मिल जाना फिर बाहर, ठीक है ना? चलो भाई पैसे तो। अरे भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गाइस, ऐसा लग रहा है पुतले खड़े हुए तो सारे के सारे असली है भाई यहाँ पे। ओ माय, ये सलमान भाई का डिपेंड है भाई। ए यार भाई हम देख रहे हैं सलमान भाई का। सलमान भाई से बचाने के लिए भाई कितना पिंजरे में रखे हो। ओ ये वाला कितना क्यूट है यार, पर इसको पिंजरे में डाला हुआ है। खाएगा तो मेरे हाथ तो हर चीज को। इसको सींग है क्या मतलब है भाई? बकरे को सींग नहीं होते क्या? ये हिरन है, ये हिरन है, ये बकरा है, हिरन है। आर यू श्योर? अरे हिरन है भाई, ये देखो अभी स्वेट टू गॉड में बकरा है ये। अरे तुम पागल हो भाई? पागल मैं पागल हूं। गाइस मेरी बात सुनो, अगर सलमान खान के नाम पे भागा उधर भी भागा रहे ओए। चलो सल्लू भाई, सल्लू भाई, सल्लू भाई क्या बोलते? नहीं भागे, नहीं भागे भाई। ये बकरा है, ये आधा बकरा है आधा हिरन है। गाइस एक मौका मिला है। भाई हाथ लगाया इसको। ये वाला बहुत क्यूट है, वो वाला बहुत क्यूट है। आजा आजा इसको मैं करूंगा तो आएगा। चो 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 ये ले, क्वीन जैस्मिन ले जा, क्वीन जैस्मिन ले जा, क्वीन जैस्मिन, क्वीन जैस्मिन। ओ भाई मां देखो ऐसे हो, शुतुरमुर्ग देख रहा है वहां से, ये देखो। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके नदी के किनारे। तो जी यमुना है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं तैरने के लिए। इसका पता है एक महत्व होता है, जितना 100 बार गंगा में नहाने का लगता है हमको फल, इतना एक बार यमुना में नहाने का फल लगता है एक ही बार में। अब तो नहाना बनता है ना जरूर, अब तो नहाएंगे जरूर हम लोग। गाइस देखो डॉगी वहाँ पर जाके आराम से लेटा है, उसके तो पाप धुल गए सारे के सारे, हम रह गए बस पापी इंसान है ना। नहीं भाई उसके साथ, उसका साथ दो, बुला रहा आपको यार, क्या कर रहे हो आप? साथ दो उसका, जाओ लेटो उसके साथ जाओ। तू कहाँ जा रहा है? अच्छा तेरे को भी याद आ गई इसकी पार्टी का? नहीं मेरा तो चैनल, मेरा नाम है ड्रीम बॉय टाइटैनिक। अरे पैर जल रहे हैं भाई। जल्दी आ जा, जा जा मार जा। यो भाई जी आ जाओ हमारे साथ, ले जाएंगे आपको हम। इसका मुंह देखो पत्ते जैसा भाई, ये भी आपके मुंह को देख के बोलोगे इसका मुंह देखो ऊपर पत्ते जैसा। कोयले जैसा ब्लैक बना रहा, चोर लग रहा है यू बोल रहा होगा। चलो गाइस अभी हम लोग ऐसी जगह पर आए जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बचपन में खेला करते थे, उसको रमन रेती बोलते हैं। और गुलाटी वारो, गुलाटी वारो प्रभु जी, ये लगी गुलाटी, ये लगी गुलाटी। ड्रीम बॉय लगा, ड्रीम बॉय लगा प्रभु जी, लगा 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 इसको लगा। और ये हमारे प्रभु जी है, ये भगवान के थे। अभी तुम सब लोगों को पता चल चुका है, अभी तुम सब लोगों को पता चल चुका है मेरे कपड़े कौन धोने वाले हैं। वापस 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 ये मेरे
और यहाँ देख रहे हैं कि बर्थडे बन रहा है नितेश ब्रोकर रमान रेती हमारे भक्त गए हरी वो ये नितेश ब्रोकर कैसे ड्रीम बॉय आई ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय आई ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय आप कहना चाहेंगे ओ ड्रीम बॉय क्या 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 ओ यार फेस रिवल हो जाता है इनका How to feel? कैसा लग रहा है आपको? बदला मैं लेने वाला हूँ। और ये क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे ऐसा लगता है मैं उठना उठना पता है। और ये देखो बर्थडे कैसे मन रहा है ये दोस्त देखो ये बर्थडे देखो दोस्त कैसे मना रहे हैं ये दोस्त ये सनी है हमारे आदित्य प्रभु है और ये हमारे हितेश प्रभु कैसे लग रहा है देखेंगे ना जब ये हाँ तो फिर देखना आपको कॉल आने वाली है कोई बात नहीं मैं झेल लूंगा सब कॉल झेल लूंगा और आपको एसजी भाई कैसा लग रहा है मेरे चड्डी के अंदर क्या क्या है मैं बताऊं तो आप ड्रीम बॉय क्या कहना चाहेंगे कैसा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है इनका बर्थडे सेलिब्रेट पूरा रेत में हो रहा है रेत में ऐसा बर्थडे किसी ने देखा खुद खेला एक सेकंड मेरे पे एक आईडिया इधर उधर सब बैठो बैठो मैं वीडियो बनाता हूँ केक बनाया क्या बनाओ जहाँ भगवान खेलते थे हैप्पी बर्थडे यही तो चाहिए था चलो आपको कैसा लग रहा है ये बर्थडे बहुत मजा आया बैठो 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 इसके साथ एक बार और आप क्या कहना चाहेंगे ड्रीम बॉय मैं हर बार ये कहना चाहूंगा कि मेरे कपड़े आज कौन कौन धोने वाला है मुझे पता है और अजी भाई आप तो पूरे मजा क्या है आपको बता सकते थोड़ा एंटरटेनमेंट का अभी मैं चमक रहा हूँ फाइनली मैं चमकने लग गया और आप क्या कहना चाहेंगे श्रीन मैं बस गमछा थमा गया और श्रीन को कैसे बचाया आपने श्रीन को कैसे सिंह भाई आप क्या कहना चाहेंगे आपको कैसा फील हो रहा है दैट हाउ डू फील चीकूंगा कैसे मेरे अभी वो चीकेगा ना तो 1 किलो मिट्टी निकालेगा ये 1 किलो अरे यार तू 1 किलो की बात कर रहा है क्विंटल निकालेगा सांड है वो गाइस जिंदगी में हम लोग इतना कभी नहाए नहीं होंगे तो दोबारा से वापस आ चुके हैं यमुना के पास नहाने क्योंकि हम लोग रमन रेती में इतने ज्यादा बुरे हाल हो गए भाई पूरे का पूरे शरीर में धूल मिट्टी जा चुकी है कि दोबारा से नहाने आ चुका ड्रीम अपना मास्क लगा जल्दी लगा दे मैं तेरा फेस दिखा दूंगा इतना रेता निकालना अभी तो दोबारा नहाने जा रहा है एक बार Magic, just walk with us. Conscious, talk with us. See, we be painting pictures and we be writing scriptures. Right. You know, yeah. We was in the heights, OG tried to sell me Cartiers. With my crown, we some kings like a card in solitaire. Sticking to the script, that's what got us here. If you in the way, we stepping down like a barber chair. We was all downstairs, Molly vibes till the smoke was clear. Nephew came in, told him, boy, yo, go upstairs. This is for the kids, yeah, cover ears. Had to put in order all of my fears. Now when I step out, I'll be well prepared. Yo, pop out anywhere, yeah, we was never scared, yeah. We was everywhere, yeah, but you was never there. People love to compare, yeah, but we just never cared. We just always did our thing, every year we took the stairs. Back when Dylan ain't have a bed, we will always volunteer.